Shiv! Aranya! Aranya, kahan ho tum? Shiv! Shiv! Aranya! Aranya! मजाक है नन्या, ये तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है कि तुम्हारी चीख सुनकर कितना डर गया था मैं। सॉरी, तुम्हें परेशान करने का इरादा नहीं था हमारा, पर क्या करें, जब से अमर आया है तब से हमें तो जैसे भूल ही गए हो, वक्त ही नहीं देते हो, इसलिए सब करना पड़ा, ताकि तुम्हें सबसे दूर लाकर तुम्हारे साथ वक्त बिता सके। I'm really sorry, Ananya. भाई की आने की खुशी में अपना प्यार ही भूल गया मैं। I'm really sorry. फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए सॉरी थोड़ी बोलते हैं।
सॉरी अनन्या, अपने प्यार को पाने के लिए मैं थोड़ा दर्द देना पड़ेगा। ए मेरे चांद, मेरे मन को आशीर्वाद दे, अपनी रूहानी चांदनी से उसे इतना ताकतवर बना कि वो अपना हर मकसद पूरा कर सके। अब दिखाती हूँ तुम सबको कि मैं क्या चीज हूं। आ,
शिव को शांत करने का उपाय बताइए ना प्लीज। अब उसका रोग राक्ष भी कहीं हो गया, मिल भी नहीं रहा है, अब क्या करें? प्लीज देवी, प्लीज कुछ कीजिए, प्लीज मदद कीजिए प्लीज। ये लो पानी पियो। वो हमें रास्ते में मिला था। थैंक यू देवी माँ। पागल मत बनो, भाई तुम्हें मार देंगे। तो यही सही, लेकिन आज अगर हम डर गए ना तो हमारे शिव को हमेशा के लिए खो देंगे। आज अगर हमारी मौत के बदले में हमारे शिव को इंसान बना पाए तो वो हमारे लिए हमारी जान से भी बढ़कर है। अनन्या पागल मत बनो। हस्तो मा सत्कमय तम सो मा ज्योतिर कमय। हस्तो मा सत्कमय तम सो मा ज्योतिर कमय। इस बात के लिए तो तुम अपने मन में झांको शेर, क्योंकि मन ही सच्चा, बाकी सब फरेब है। मम्मी आप यहाँ क्या कर रही हैं? अभी कमरे में गए थे आपको दूध देने के लिए, ये लीजिए हल्दी वाला दूध। शिव बाद में पी लूंगा। तुम आप लीजिए। हम बस यहाँ पर शिव का हाल पूछने आए थे। क्या हुआ? क्या हुआ?
शिव, सब ठीक हो जाएगा एक दिन, टेंशन काहे ले रहे हो? वो हमें रास्ते में मिला था। अब वक्त है उससे बात करने का, जिसकी वजह से शायद ये सब कुछ हुआ है। दूध रखे हैं पी लेना। क्या हुआ था कल रात? शिप के वो सिंदूर डाला और मेरी जान बचाई। फिर उसके बाद फाइनली उसने शिप को रुद्राक्ष बनाया और वो वापस इंसान बन गया। I swear, trust me, अनन्या का कल रात को ना होती ना तो हम दोनों की वो आखिरी रात होती। थैंक्स टू अनन्या जिसने मेरी जान बचाई। ये अनन्या कुछ ज्यादा ही मेरे काम में धकल दे रही है। उसे मारकर सबसे पहले अपने रास्ते से हटाती हूँ, फिर उसके बाद अपना मकसद पूरा कर लूंगी मैं। नहीं नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। आप जानती है ना मैं कितना प्यार करता हूँ। बस अनन्या से एक बार मेरी शादी हो जाए, उसके बाद हाई प्रॉमिस आपके रास्ते में कभी नहीं आएगी। ट्रस्ट मी। चल से चल, तुझे और अनन्या को एक कर दूंगी मैं। और लिटिल मम्मी, शिव की शक्तियां भी प्लीज। हाँ सही समय आने तुझे, उसके बाद शिव से ज्यादा शक्तियां होंगी तेरे पास। थैंक यू। मेरी जूती शैतान को इंसान बना के अपनी जान गवाई, आज उसी का बेटा अपनी जान गवा के इंसान को शैतान बनाएगा। शिव कहाँ भाग रहे हो हमसे? तुम जानते हो ना हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। हमारी सांसें बिना एक दूसरे के बिना अधूरी हैं।
और ये बात हम पूरे बनारस को लाउड स्पीकर पे बता सकते हैं। तुम्हारा साया है हमसे, अंधेरे में भी नहीं बच सकते हो हमसे। मैं मनाती रहूं इन नदाओं पे और प्यार। गुड मॉर्निंग बुआ। अनन्या बेटा, इतनी मुफ्त हो कि यहाँ बैठ के गाना गा रही हो, तो चलो संक्रांत के लड्डू और गुड़ की पट्टी बनाने में हमारी मदद ही कर दो। कर देते बुआ, पर अभी तक तो नहाए नहीं हम। तो जाओ नहा के आओ। आप चलिए, हम आते नहा के। चलो। अच्छा एक बात बताओ, इस बार तुम्हारी पतंग उड़ेगी या कटेगी? वैसे जिस तरीके से हालात लग रहे हैं ना, हमें तो लगता है कि मांझा तो कट के ही रहेगा। अरे रेखा बेटा, वो तांत्रिक का कुछ पता चला कब आएगा? अम्मा, हम शुक्ला जी से बात किए हैं, वो शहर के सबसे बड़े तांत्रिक को ना यहाँ भेज रहे हैं। चलो अच्छा है। अरे रेखा बेटा, जल्दी से तांत्रिक का इंतजाम कर। हाँ माँ, हम जल्दी कुछ करते हैं। हाँ क्या हुआ, क्या कर रही है? मत पूछ, जब से इंसान बने हैं तब से नौकरानी बनकर रह गए हैं। पहले तो हमारी घाघरा पलटन हमारा सारा काम कर देती थी, पर अब खुद ही पिसना पड़ता है। तो जल्द कोई ना कोई तरकीब सोच मरने अपने घर वालों के सामने लाने के लिए, फिर तू आराम से बैठना और मैं थारा सारा की सारा काम कर दूंगी चुटकी बजाते। सच्ची मुच्ची?